नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 6 दिसंबर एक ऐसा दिन जिसे मुस्लिम समाज काला दिन के रूप में देखते हैं। 6 दिसंबर सन 1992 एक ऐसा दिन था जिसे याद कर लोग आज भी सहम जाते हैं। 6 दिसंबर यही वो दिन था जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। एक धक्का और दो बाबरी को तोड़ दो, अयोध्या के आसमान को चीरते हुए ये नारे सैकड़ों साल पुराने बाबरी मस्जिद को चोट करती कुदाल की ठक ठक आवाजें। ऊंचे आवाजों में जय श्री राम की आवाजें थे, वो आवाजें थी जिन्होंने 6 दिसंबर सन 1992 की तारीख को एक नई शक्ल दे दी थी। 7 दिसंबर को पूरे देश में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। पूरे देश में जहां हिंदू मुस्लिम की नफरत फैल गई थी, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, मगर वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जो नफरत की इस आग को बुझाने में लगे थे। देश के कई हिस्से ऐसे थे जहां हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे, मगर कहीं ना कहीं 25 साल गुजर जाने के बाद भी 6 दिसंबर आते ही बाबरी मस्जिद का ख्याल जहन में आ जाता है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।